तो फ्रेंड अगर आप भी अपने यूट्यूब के लिए इंट्रो बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड बने रहें इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फ्रेंड इस तरह के इंट्रो को कैसे बनाया जाता है, और फ्रेंड ये इंट्रो जो है फ्रेंड बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है। तो फ्रेंड आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले इस तरह के इंट्रो को बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और फ्रेंड काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। और जैसे ही काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा उसके बाद फ्रेंड यहां से आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और फ्रेंड आपको यहां से 60:9 यानी कि 16:9 रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है और यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड यहां से आपको एक वीडियो को सेलेक्ट करना है, और फ्रेंड ये वीडियो जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको इस वीडियो को वहां से डाउनलोड कर लेना है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड अब आपको करना क्या है, लेयर में जाना है और फ्रेंड यहां से मीडिया में चले जाना है, और मीडिया में जाके आपको करना क्या है, आपका जो चैनल है आपके चैनल का जो भी लोगो होगा आपको फ्रेंड वो लोगो को सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड मैं यहां पे अपना चैनल का लोगो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फ्रेंड लोगो सेलेक्ट कर लेने के बाद अगर फ्रेंड आपका लोगो एक गोल सर्कल में है तब तो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, अगर फ्रेंड आपका गोल नहीं है मेरे तरह है आपका भी तो आपको करना क्या, यहाँ क्रॉपिंग में जाना है और फ्रेंड इसको ऑन कर देना है मक्स को, और यहाँ से शेप्स में जाके ये गोल वाले के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से अच्छी तरह से इसको गोल कर देना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से डन कर देना है, और इसका साइज को जो है फ्रेंड लोगों का इसको यहाँ से बढ़ा देना है कुछ इस तरह से ज़्यादा। और उसके बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, इस लोगों को जो फ्रेंड यहाँ है बीचों बीच इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ कुछ इस तरह से एकदम पूरा बीचों बीच इसको एडजस्ट कर देना है, और एडजस्ट कर देने के बाद फ्रेंड आपको इसमें एक एनिमेशन देना है। इस एनिमेशन को देने के लिए इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहां से थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, नीचे स्लाइड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहां पे क्लॉकवाइज, और इसको यहां से सेलेक्ट कर लेना है और इसका स्पीड को जो है फ्रेंड यहां से 4 कर देना है कुछ इस तरह से, और यहां से डन कर देना है। और इतना हो जाने के बाद फ्रेंड अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना चैनल का नाम नीचे देना है, तो चैनल का नाम देने के लिए यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे लगभग 4 के ऊपर रखना है, और यहाँ से आपको लेयर में जाना है, लेयर में जाके फिर से आपको टेस्ट में चले जाना है, और टेस्ट में जाके अपना चैनल का नाम जो भी है यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और लिख देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, और इसका फॉन्ट को चेंज करने के लिए डबल ए के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से मैं जो फ्रेंड यहाँ पे फॉन्ट को यूज किया हूँ डिस्प्ले में जाके ये एपकोन को फ्रेंड यहाँ से मैंने यूज किया है। अगर फ्रेंड आपका यहाँ पे नहीं है काइनमास्टर में ये वाले फॉन्ट तो आपको ये फॉन्ट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड इस स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, और स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्प्ले में चले जाना है, डिस्प्ले में जाके फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा, नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एपकोन, और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ मेरा इंस्टॉलेड है। और इतना कर देने के बाद अब आपको करना क्या है फ्रेंड, इसका साइज जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं, उसके बाद आपको इसमें भी एनिमेशन देना है, तो इसमें एनिमेशन देने के लिए करना क्या है, इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके फेड एनिमेशन को देना है, और इसका जो स्पीड है फ्रेंड यहाँ से 1.5 कर देना है कुछ इस तरह से, और फ्रेंड आपका जो इंट्रो है बन के रेडी हो जाएगा। अब फ्रेंड मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड आपका इंट्रो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर फ्रेंड आप और भी कुछ इसमें अच्छा से एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर सकते हैं, और फ्रेंड ये आपका इंट्रो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको यहां से ये इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहां से वीडियो में चले जाना है, वीडियो में जाके फ्रेंड ये जो है यहाँ पर वीडियो फेड आउट इसको ऑन कर देना है, और फ्रेंड ऑन कर देने के बाद यहाँ से इसको जो है 0.50 सेकेंड कर देना है, और यहाँ से इसको कट करके यहाँ से बैक हो जाना है, और फ्रेंड ये आपका इंट्रो बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको सेव करना है, सेव करने के लिए यहाँ से ये कोने में इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसका रेजोल्यूशन को फुल कर देना है, और यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपका जो वीडियो है ये बिल्कुल आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि इंट्रो कैसे बनाया जाता है अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। अगर सीख गए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।